खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इस घर को प्रिंट किया गया और यहाँ पे छोटी छोटी सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। गाइस ये देखें, ये इनका मंदिर है और चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। अच्छा बैठा हो अदी तुम? बोर्ड छा जो बोर्ड बैठा हो? अच्छा ये बाजी जो है अभी टमाटर का सालन बना रही है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं जा रहा हूँ एक खूबसूरत गांव के अंदर और गांव की लाइफ कैसी होती है और गांव की खूबसूरती जो है वो आज हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि ये पूरा गांव जो है वो बांस के लकड़ी से बने हुए, और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह बने हुए और किस तरह डिज़ाइन किए हुए, सब आपको दिखाएंगे आज। सबसे पहले आपको गांव का ओवरव्यू दे देते हैं, और ये आप देखें कि ये ऊपर जो है लकड़ियों पर सारा डिज़ाइन किया हुआ है ये गांव। ये देखें, ये भी देखें, टोटली लकड़ियों पे बना हुआ है गांव, और इनके डिज़ाइन देखें किस तरीके से ये डिज़ाइन किया गया है गांव। और इस टोटल एरिया में तकरीबन 200 के करीब घर हैं। टोटल एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और ये दिखाते हैं कि आपको, ये इनकी छत वगैरह जो है वो बांसों से बनी हुई है और कच्ची बनी हुई है। लाइट ना होने की वजह से ये सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज ये भी एक रूम है, आपको इसका भी व्यू दिखा देते हैं कि ये किस तरीके से बनाया हुआ है। और ये टोटली जो है यहाँ पे भी एक सोलर लगा हुआ है और इसकी जो छत है वो कच्ची है। बहुत ही खूबसूरत गांव है और मुनफरिद गांव है, और इस गांव की जो डिज़ाइन है वो मुनफरिद तरीके से बनाया हुआ है। और ये देखें, ये इनके बर्तन रखने के लिए जगह है, और यहाँ पे ये चूल्हा वगैरह बना हुआ है, सारा सिस्टम बना हुआ है इनका। और सामने जो है एक वाशरूम है, ये भी एक दूसरा रूम है। अभी तो छाप गए हो अच्छा पैसन से वर्ती आई मट्टी अच्छा गाइज ये इनको जो है ना मट्टी इन्होंने पैसों से लेके खरीद के फिर यहाँ पे अपने घर को जो है वो थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश कर रही है बाजी। और ये देखें, ये सामने जो है ये मट्टी गीली पड़ी है, और इस मट्टी को जो है वो नरम करके फिर यहाँ पे लेप किया जाएगा और खूबसूरत तरीके से प्लास्टर किया जाएगा। तो गाइज ये देखें, इस तरीके से ये अपने घरों को लेप करते हैं, प्लास्टर करते हैं। तो गाइज ये इनका वॉशरूम है, देखें कि ये किस तरीके से डिज़ाइन किया गया है। और इनके गेट वगैरह जो भी हैं वो तकरीबन लकड़ी के और वो बांसों की लकड़ी से बनाए गए, और ये इनके मवेशी हैं। तो गाइज ये देखें, ये इन्होंने लकड़ी की जो है वो दीवार बनाई हुई है, ये देख सकते हैं, ये इनके माल मवेशी हैं जिनको चारा खिलाया जा रहा है। ये कुछ भाई साहब बैठे हैं, तैयार है, खुश है। ये भाई साहब, ये इनका घर है, और ये सामने एक मंदिर है, मंदिर का आपको व्यू दिखाते हैं कि किस टाइप का मंदिर बना हुआ है। तो गाइज ये देखें, ये इनका मंदिर है, और चलते हैं मंदिर के अंदर, आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं, ये इनके देवताओं की तस्वीरें वगैरह लगी हुई है और मूर्तियों की तस्वीरें हैं। और यहाँ पे देखें किस तरीके से इन्होंने प्रिंट किया हुआ है इस मंदिर को, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है मंदिर ये। तो गाइज यहाँ पे भी देखें आप, कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पे इस घर को प्रिंट किया गया, और यहाँ पे छोटी छोटी सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं, और यहाँ पे भी ये इस तरह का किचन है, और प्रिंट वगैरह देखें किस तरीके, कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने किए हैं। अंदर भी किचन में कुकिंग चल रही है, और यहाँ पे भी एक किचन बनाया है। हर घर में यानी जितनी फैमिली है उतरा हुआ जो चूल्हा अलग अलग है ना, जितना चूल्हा है उतरी फैमिली है मना। सही सही सही। तो ये बाजी देखें, ये अपने सर पे जो है वो घास रख के मवेशियों के लिए चारा लेके आ रही हैं। भाई भगवान दास हमें ये पूरा गांव विजिट करवा रहे हैं,
और ये यहाँ के मकामी टीचर भी हैं। गाइस ये देखें, ये भी एक इन्होंने अलग तरीके से गेट बनाया हुआ है। और इस घर के भी अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखें किस तरह इन्होंने अपने घरों में प्रिंट किए हुए हैं। और ये इनके मवेशी हैं। यहाँ पे बाजी कुकिंग कर रही है। और ये देखें इस किचन को देखो, कितना खूबसूरत तरीके से इन्होंने डिज़ाइन किया है। अच्छा हिनन के तुम ठायो पान है दसे बयानू। अच्छा तुम पान ठीक है हो अदी तुम पान ठायो आई। अच्छा ये तुम के खाली दसे बयान वो तुम हते कुकिंग पे कयो होते छो कोन पे कयो ते इन छा आजे मथे पोईता ये पत्रो बत्रो अजे मथे पोईते रज पच करू ने इन में गर्मी आए ने पाती में। अच्छा इन जे करे फोन ते कुकिंग कंदा आयो उन जगह ते। हां कंदा आयो तमा ये पान तमा डिजाइन कयो पान थाई वन। अच्छा तमा के सिर्फ डसे व्यान तो बाबा ही ठाणो आही ठाणो केड़ी मेहनत कई है दिसो से केड़ी मेहनत लगी माशाल्लाह। ये बाजी की देखें मेहनत देखें आप कि किस तरीके से बाजी ने ये किचन बनाया हुआ है। और आप देख सकते हैं यहाँ से लकड़ियां लगाते हैं, यहाँ पे ये बर्तन वगैरह रख के और कुकिंग होती है। और जो इसका धुआं है वो यहाँ से निकलता है। और इस किचन की ख़ास बात यह है कि इनके बर्तन वगैरह काले नहीं होंगे इससे। और अलग तरीके से मुनफरद तरीके से इन्होंने ये किचन बनाया हुआ है। और ये सारी मेहनत जो है ये इस बाजी की है। आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से बाजी ने डिज़ाइन किया है। अच्छा बैठाए हो अदी तुम बोर्ड छा जो बोर्ड बैठाए हो। अच्छा ये बाजी जो है अभी टमाटर का सालन बना रही है। तो गाइज ये इस तरह ये अपने चूल्हे वगैरह और घर वगैरह प्लास्टर करते हैं। अब देखेंगे किस तरीके से बाजी इसको प्लास्टर कर रही है। तो गाइज ये देखें, ये इस गांव की जो है वो स्ट्रीट है। और आप देखें कि कितने खूबसूरत तरीके से इन्होंने इस स्ट्रीट को डिज़ाइन किया है। और इस तरफ भी घर हैं, इस तरफ भी घर हैं, बीच में जो गली बनाई हुई है इन्होंने। और मुनफरद तरीके से ये गांव बन डिज़ाइन किया है। और दूसरे गांवों से ये अलग तरीके से इन्होंने गांव बनाए हुए। और हर जगह ये देखें आप, इन्होंने लकड़ियों से दीवारें वगैरह बनाई हैं। और इस साइड जो है इन्होंने पौधे वगैरह लगाए। ये वक्त के हिसाब से बड़े हो जाएंगे तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा ये गाँव। तो गाइज अभी जो है इसी किचन में जो है अभी वो बाजी हमें कुकिंग करके दिखाएंगी कि ये किस तरह चूल्हा जो है वो ये इस चूल्हे पर कुकिंग करते हैं ये। तो देखें बाजी जो है इस किचन पे कुकिंग कर रही है कि यहाँ पे इन्होंने इस तरह लकड़ियाँ डाली हुई है। यहाँ पे बर्तन वगैरह रख के ये अपने किचन को इस्तेमाल करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कि ये बाजी वाले किस तरह इस किचन को इस्तेमाल करते हैं। नेपाल का इंडिया डायरेक्ट था बॉर्डर को नहीं पर रही गलो या कौन चली ओके चलता है ये सीमा हो गया मैं वो बात है ये जब तक वो इतने अच्छे इंडिया रहे थे तो नेपाल बात में जो आए लोगों ने कहा ना 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 ना